हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का गौरव झा फिटनेस में। आज हमारा है डे नंबर 29 और एक दिन और बचा हुआ है। तो आज हमारा वर्कआउट आप लोग देखो कि 29th डे में कौन सा वर्कआउट आपका भाई बताने वाला है। 30 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को पता है कि हमारा 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है बिना इक्विपमेंट के, बिना जिम के। अगर आप 30 दिन में कुछ अपने बॉडी को शेप में लाना चाहते हो तो कुछ प्रॉपर एक्सरसाइज के रूटीन आपके पास नहीं है तो ये कुछ एक्सरसाइज बॉडी वेट में कुछ कुछ चेंज करके आप 30 दिन में अपने बॉडी पे फर्क डाल सकते हो। चाहे आप मोटे हो पतले हो, हर किसी को रिजल्ट मिलेगा, हर किसी को इससे फायदा होने वाला है। तो अभी देखने वाले हैं भाई 29th डे का एक्सरसाइज, तो साथ में फॉलो करो। पहला आप लोगों को पता है कि पहला नंबर एक्सरसाइज होगा हमारा सिंपल रनिंग। चाहे आप 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप पतले हो तो आपको रनिंग जरूरी नहीं है भाई। रनिंग करोगे तो आपका बॉडी और शेप में आएगा और रिप दिखोगे। जरूरी नहीं है कि आप 10 किलोमीटर दौड़ रहे हो या फिर आप लंबा लंबा स्प्रिंट लगा रहे हो, ऐसा कोई नीड नहीं है। थोड़ा बहुत आपको रनिंग करना चाहिए जिससे कि आपका बॉडी पूरा शेप में रहेगा भाई, पूरा ऑल ओवर, मतलब फैट वगैरह जो भी फालतू फैट है सारा कुछ कट जाएगा। तो पहला नंबर एक्सरसाइज 4 मिनट 5 मिनट जाओ ग्राउंड में, आप लोग रनिंग करो 3-4-5 मिनट, पहला नंबर एक्सरसाइज वार्म अप हो जाएगा। नहीं तो सिंपल आप यहाँ पे भी सिंपल नीज अप करके कर सकते हो, पहला नंबर एक्सरसाइज। दूसरा नंबर एक्सरसाइज लगाएंगे भाई पुशअप्स। जैसा को पता है दूसरा नंबर हमारा होगा पुशअप्स। सिंपल हाथ रखेंगे और लगाएंगे 20 पुशअप। चलो 1 up 2 up 3 up 4 up 5 up 6 up 7 up 8 up 9 up 10 up 11 up 12 up 13 up 14 15 16 17 18 19 20। अभी कोई 10 पार्ट से काम नहीं चलने वाला है, डे 29 है तो मैं 20 लगाया हूं। तो आपको 20 से ऊपर तो जाना ही जाना है कुछ भी करके। पहला रनिंग, दूसरा पुशअप्स बिल्कुल शोल्डर के सामने सामने, हाथ पूरा खोल के, जिससे कि आपका फोरआर्म्स भी इंगेज होकर आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लगाने वाले हैं 20 रेपिटेशंस सिंपल साइड के लिए, साइड फैट के लिए अल्टरनेट एल्बो नी टच। इस तरीके से 1 2 3 कहीं भी परफॉर्म कर सकते हो एक्सरसाइज को। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, पहला रनिंग, दूसरा पुशअप्स, तीसरा अल्टरनेट एल्बो नी टच, जिससे कि हमारा वेट का इधर का फैट वेट हमारा गायब होके आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज, बिल्कुल क्लोज करके स्क्वाट लगाएंगे, बिल्कुल क्लोज करके, जिससे कि आपका पूरा हैमस्ट्रिंग अच्छे तरीके से इंगेज हो गया। क्लोज रखोगे सर सामने, 1 up 2 up 3 up 4 up 5 up 6 up 7 up 8 up 9, पूरा एरिया कवर हो रहा है आपका, 10। रिलैक्स, अभी पांव को बाहर करो, स्क्वाट लगाओ सिंपल 10 बार। चलो अप 1 2 3 4 5 6, दोनों स्क्वाट लगाना है क्लोज भी और वाइड भी, 7 8 9 10। रिलैक्स, अभी बस ट्विस्ट करो, ठीक है, 20 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। सारा एक्सरसाइज देखते रहो ध्यान से और सारा एक्सरसाइज को फॉलो भी करते रहो। पहला रनिंग, दूसरा पुशअप्स, तीसरा हमारा हो जाएगा पुशअप्स के बाद अल्टरनेट एल्बो नी टच, चौथा हमारा हो जाएगा क्लोज स्क्वाट्स, पांचवा वाइड स्क्वाट, छठा ये साइड के लिए, ठीक है। इसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, 10 रेपिटेशंस के लिए आपको पुशअप लगाना है, जो कि हमारा होगा सुपर स्लो, और लगाएंगे हम पंच पे। इस तरीके से आपको नकल बनाना है, 10 रेपिटेशंस सुपर स्लो, जितना लेट ला सकते हो उतना आपके लिए फायदा होगा। ये वाला चीज आपका तगड़ा होकर आएगा, बाइसेप्स और सारा कुछ इंगेज होकर आएगा। थोड़ा सा पंच को करें थोड़ा सा पीछे, ठीक है, जाएंगे 10 बार, अप 1 स्लो, अप 2 स्लो, अप 3 स्लो, अप 4 स्लो, अप 5, चलो अप 6, चलो अप 7, चलो अप 8, चलो अप 9, एक और स्लो अप 10, ठीक है। इसके बाद आपको ये लगाना है स्लो, जिससे कि आपका आर्म्स अच्छे तरीके से एक्टिव हो जाएगा, अपर बॉडी आपका इंगेज होकर आ जाएगा। इसके बाद आपको लगाना है वाइड ग्रिप क्लोज ग्रिप मिक्स पुशअप्स, ठीक है। वाइड ग्रिप पे एक पुशअप मारोगे इस तरीके से, क्लोज ग्रिप पे एक पुशअप मारोगे, वाइड ग्रिप 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है। ये मारने के बाद आज आप लगाओगे लास्ट में कुछ प्लैंक्स। प्लैंक्स में जितना टाइम होल्ड कर सकते हो उतना टाइम होल्ड करोगे। और ये पानी नहीं है भाई, पसीना है बस, ठीक है, जो कि आप ग्राउंड पे देख रहे हो अभी। इस तरीके से बार आपको होल्ड कर रखना है, जितना टाइम होल्ड करोगे उतना बेहतर रिजल्ट। 4 बार परफॉर्म करोगे गर्मी हालत खराब हो जाएगा और रिजल्ट बेहतरीन मिलेगा आपको भाई। तो सारा एक्सरसाइज में आप हमारा अपर बॉडी इंगेज हो गया, लोअर बॉडी इंगेज हो गया और प्रॉपर आपको रिजल्ट भी देने के लिए काफी हो गया। 4 सेट लगाएंगे, हर एक सेट में 20-25 रेपिटेशन से ज्यादा रखना है। और ये हमारा है डे नंबर 29 का वर्कआउट। और आप पहले हो, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो डे 1 से फॉलो कर सकते हो। 30 दिनों में आपको भी फर्क पता चलेगा, बहुत मेरे भाई को पता चला है फर्क भाई। और इसमें भी कुछ क्वेरी हो तो इंस्टा पे गौरव जैपनीज इंस्टाग्राम से इंस्टाग्राम करके आप लोग बात कर सकते हो मेरे से, कुछ पूछना हो तो। और डाइट क्या होगा ये आपका 30वें दिन के, अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा लास्ट, उसके बाद मैं खुद का भी दिखाऊंगा कि क्या कुछ फर्क पड़ा है। और 30 दिन के बाद मैं बताऊंगा डाइट क्या लेना है आपको इस 30 दिन के टाइम पे। आपको 30 दिन का जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन वाला होगा उसमें क्या डाइट लेना है, वेज के लिए बताऊंगा, नॉन वेज के लिए बताऊंगा। तो फॉलो करते रहो, बेहतर बनना है तो बस आपको स्किप नहीं करना है, डे 1 से डे 3 तक फॉलो करो। चलो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, तो स्टे सेफ स्टे हेल्दी, ठीक है भाई।